धुळे शहरातील साखरे रोड परिसरात ट्रॅव्हल चालक व वाहकास धारदार शस्त्राचा धाक दाखवून जबरीने वसुली करणाऱ्या दोघा सराईतांच्या धुळे शहर पोलिसांनी मुसके आवळले आहेत. पोलिसांनी त्यांच्याकडून नशेच्या गोळ्यासह गुंगीचे औषध, रोख रक्कम, मुद्देमाल जप्त केला आहे. मध्यरात्रीच्या सुमारास ट्रॅव्हल चालकांना रस्त्यात अडवून त्यांना चाकूचा धाक दाखवून त्यांच्याकडून जबरी वसुली केल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. ट्रॅव्हल चालकाने 112 या हेल्पलाईन क्रमांकावर या संदर्भात पोलिसांना फोन करून माहिती देऊन हा सर्व प्रकार पोलिसांच्या निदर्शनास आणून दिला. धुळे शहर पोलिसांनी तात्काळ या संदर्भात ॲक्शन घेत पोलीस पथक संबंधित ठिकाणी रवाना करत या गुन्ह्यातील दोघा सराईतांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. त्यांच्याकडे नशेच्या गोळ्या, गुंगीचे औषध देखील पोलिसांना आढळून आले असून ते दोघेही सराईत गुन्हेगार असल्याचे उघडकीस आले आहे. धुळे शहर पोलीस पुढील कारवाई करीत आहेत. सभी को नमस्ते. आप सबको पता है कि एक वीडियो वायरल हुआ था धुले में, जो एक ट्रैवल्स की बस चल रहा था, उसमें दो लड़के उसको ट्रैवल्स की बस में बस को रोका गया था एंड वो रोकी उसके चाकू के अंडर इन्फ्लुएंस ने उसने पैसा वगैरह मांगने किया था. बट उसमें उस दोनों वो बस का जो है उसका कंप्लेंट नहीं आया था. बट वो हमने जो वीडियो वायरल है उसको हमने कॉग्निजेंस लेके हमने ये जो दो लोग किया है उसको हमने ढूंढने के लिए कोशिश किया था. उसके लिए हमने दो टीम्स फॉर्म किया था, एक API एक PSI के अंडर. तो हमने दो टीम्स में उसको दोनों बंदे को ढूंढने के लिए ले आया था. तो उसमें हमारे दो टीम्स को ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला था कि ये लोग यहाँ पे साकरी रोड में जो हमारा मनपा शाला है उसमें 14 नंबर शाला में ये लोग बैठा है, ऐसे इन्फॉर्मेशन आया. जैसे हमारा टीम वहाँ पे पहुँचा है तो वहाँ पे ये लोग नशा पानी करते, उसके साथ ये बॉटल्स आनी, ये गोलियाँ हमको ऐसा मिला है. तो ये लोग का मोडस ऑपरेंडी आपको ये पता चला, जो ये लोग पैसे वगैरह वसूली करता है 395 का प्रकार जैसे करता है, फिर उसके बाद उसने जो पैसा मिलता है तो उससे वो नशा पानी करता है, नशा लेता है. एंड हमको ये भी अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा और वो कहाँ से नशा लेके आ रहा है, किसको दे देता है. तो उसके पास हमने जब गया था उसको हमारे पास 10 बॉटल मिला है. तो ये NDPS के अंडर जो बैन किया सब्सटेंस है उसमें अंडर है. तो इसमें उसके ऊपर हमने NDPS के सेक्शन 8C यानी 22C के प्रमाण उसके अंडर हम कार्रवाई करने वाले हैं. ये पूरा कार्रवाई हमने SP सर एंड एडिशनल SP सर के मार्गदर्शन में किया. लोकनायक न्यूज़.